हेलो दोस्तों, प्राइम टाइम क्लासेस में स्वागत है आपका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, आज अपन बात करेंगे आरएसएमएस एसएसबी एलडीसी को लेकर। काफ़ी सारे डाउट आए थे पिछले मेरे वीडियो पे, जब मैंने इस पे कॉमन डाउट्स पे वीडियो बनाया था। उस पे काफ़ी सारे और भी डाउट्स आए थे, उन सभी डाउट्स को आज इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी स्टूडेंट नया है इस चैनल पे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला डाउट हिमांशु जी ने पूछा है कि रिजल्ट के बाद में टाइपिंग को कितना टाइम मिलेगा। तो टाइपिंग के लिए मैं आपको बता दूँ, लगभग लगभग रिजल्ट के बाद में 20 से 25 दिन मिनिमम रहते हैं। मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, हो सकता है रिवाइज रिजल्ट आ जाए या और कुछ मैटर हो जाए बीच में, तो उसमें और ज़्यादा टाइम मिल सकता है। लेकिन जो मिनिमम टाइम होता है वो 20 से 25 दिन का होता है। इतना टाइम तो आरएसएम एसएसबी को देना ही होगा टाइपिंग करवाने के लिए रिजल्ट के बाद में। नेक्स्ट डाउट अपन देखते हैं, ये है शुभम जी ने पूछा है कि सर, ये ग्रेड पे 2400 क्या होता है और 2 साल बाद में कितनी पेमेंट मिलेगी? तो शुभम जी, आपको बता दूं ग्रेड पे क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी डिसाइड होती है। ग्रेड पे जो 2400 आपको बताया, इसके बाद में इस पे डीए मिलता है। डीए आप जो भी 107%, 108% जितना भी है वो इसका मिलता है। फिर उसके बाद में एचआरए मिलता है। ये सारी चीज़ें मिला के आपकी सैलरी डिसाइड होती है। और जो बेसिक रखा गया है ना, वो बेसिक आपका ग्रेड पे रखा जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 2 साल बाद में सैलरी क्या रहेगी। तो 2 साल बाद में सैलरी आपकी एचआरए वगैरह मिला के सब कुछ लगभग लगभग 26 से 27 हज़ार के बीच में रहेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो जो सैलरी आपकी 2 साल बाद रहेगी वो 26 से 27 हज़ार के आसपास रहेगी इन हैंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट रविंद्र पूनिया जी ने पूछा है कि ये कोई बता देगा हो क्या रहा है एग्ज़ाम का बाबा। तो रविंद्र जी, टाइपिंग कॉल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 20 जनवरी के आसपास आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, इलेक्शन रिजल्ट से पहले तो आपका एलडीसी का रिजल्ट ही नहीं आएगा। और वही हुआ, अभी तक तो इलेक्शन तो कंप्लीट हो गए, इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, अभी तक कोई रिजल्ट की कोई सूचना नहीं है, ना तो वेबसाइट पे ना ऑफिशियली कोई न्यूज़ मिल रही है। तो आप टेंशन ना लें, जैसा कि मैंने आपको बताया 20 तारीख के आसपास, 20 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद में 20 जनवरी के आसपास आपका टाइपिंग कॉल करवा लिया जाएगा, या फिर जनवरी में आप ये बोल सकते हैं कि जनवरी के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो डाउट है वो शुभम जांगिड़ जी ने पूछा है कि सर, आईए का रिजल्ट आज डिक्लेयर हो गया, तो क्या एलडीसी का रिजल्ट भी इलेक्शन से पहले डिक्लेयर हो सकता है? तो शुभम जी, आज देख सकते हैं इलेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। आईए का मैटर क्या था? आईए का मैटर आना था, फाइनल रिजल्ट आना था आईए का। और वो फाइनल रिजल्ट लेने के लिए, अगर इलेक्शन के बीच में कभी भी फाइनल रिजल्ट दिया जाता है, तो डिपार्टमेंट को क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भेजना पड़ता है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है। और इन्होंने भी यही करा था, आरएसएम एसएसबी ने एक लेटर भेजा था फाइनल रिजल्ट के लिए। यहाँ बात चल रही है फाइनल रिजल्ट के लिए, और इलेक्शन कमीशन ने उसकी परमिशन दे दी थी। और इलेक्शन कमीशन उसी डिपार्टमेंट को परमिशन देता है जिसमें, जिस पोस्ट के लिए वो अभी सिलेक्शन ले रहे हैं। जैसे आईए की पोस्ट है, वो इलेक्शन में जो पोस्ट सिलेक्टेड होंगे वो इलेक्शन में या फिर उनके रिजल्ट में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को ही, मतलब ऐसी पोस्ट को ही वो प्रेफर करते हैं और उनको ही सिलेक्शन देने के लिए अलाउड करते हैं। यही हुआ है, आरएसएम एसएसबी को परमिशन मिली और उन्होंने आईए का रिजल्ट इससे पहले डिक्लेयर कर दिया, इलेक्शन से पहले। लेकिन एलडीसी का जो केस है वो बिल्कुल अलग है। एलडीसी का भी प्री का रिजल्ट आना है, और प्री का रिजल्ट इलेक्शन के रिजल्ट से पहले नहीं आ सकता और ना आएगा। तो आप मान के चलिए कि लगभग लगभग आपका जो रिजल्ट आएगा वो 20 दिसंबर के आसपास आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो डाउट है, सर फिजिकली हैंडीकैप्ट के प्रमोशन कहाँ तक होता है? फिजिकल हैंडीकैप्ट का प्रमोशन जो विमला जी एकदम बराबर ही होता है जो नॉर्मल कैंडिडेट्स का जो प्रमोशंस होते हैं, जैसे एलडीसी, एलडीसी के बाद यूडीसी, यूडीसी के बाद में एओ, फिर उसके बाद सॉरी यूडीसी के बाद में डब्ल्यूओ, डब्ल्यूओ के बाद में एओ, ठीक है ना। तो वो सेम प्रमोशंस होते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हैंडीकैप और इनका इक्वल प्रमोशंस होते हैं। अब बात करते हैं कन्फर्म है क्या सर 20 तारीख तक रिजल्ट? देखो, ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता, एक प्रेडिक्ट किया जाता है। रीज़न ये है कि ना, अभी बहुत अच्छा टाइम मिल गया इनको, इतना डिपार्टमेंट को। इलेक्शन जो है, इलेक्शन के बाद में ये आराम से रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। इनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट अपने बिहाफ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। तो 20 तारीख तक एक एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि इसके आसपास रिजल्ट आ जाएगा। फिक्स कुछ नहीं होता है, फिक्स तो सर्टेन तो कुछ भी चीज़ नहीं है कि इसी तारीख को आएगा या नहीं आएगा। तो या तो आप ऑफिशियल नोटिस का वेट करें, या फिर इसको एक एक्सपेक्टेड मान के आप चल सकते हैं कि 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आएगा और टाइपिंग कॉल आपका जेन में हो जाएगा। नेक्स्ट जो डाउट है वो बात कर रही है इन्होंने कि इन हैंड सैलरी नहीं बताई 2 साल बाद में। बता तो दी, 26 27 के आसपास इन हैंड सैलरी आएगी आपकी।
कट पिट के, बाकी आप पे भी डिपेंड करता है आप पीएफ वगैरह कितना कटवाते हैं या एनपीएस आपका क्या करता है, वो सब डिपेंड करता है चीज़ें। तो आप एक लगभग एस्टिमेट मान सकते हैं 26-27 हज़ार के आसपास, ठीक है ना। नेक्स्ट जो इन्होंने पूछा है कि हेलो सर, मैंने ओएमआर शीट में बुकलेट सीरीज गलत भर दी, अच्छा रिजल्ट पे इफेक्ट होगा क्या? अरे रिजल्ट पे बहुत इफेक्ट होगा, अगर बुकलेट सीरीज ही आपने गलत भर दी तो आपके आंसर्स कैसे मैच होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, या तो आप आरएसएमएस में कॉन्टेक्ट करें या फिर आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। आपके पास में मेरे अकॉर्डिंग आपको आरएसएमएसएसबी में कांटेक्ट करना चाहिए इस बात को लेके। तो दिवाकर खत्री जी, आप कंटिन्यूअसली कॉल कीजिए आरएसएमएसएसबी में और उनको इस बात से लिए बताइए कि आपने जो बुकलेट सीरीज नंबर है वो गलत भर दिए, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। आप वहाँ से बिल्कुल पहले बात कीजिए। नेक्स्ट जो डाउट पूछा है राघव जी ने, इन्होंने पूछा है कि सर 130 नंबर ओबीसी कैटेगरी 9 सितंबर वाला पेपर था, टाइपिंग में कितने मार्क्स लाने होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, सेक्रेटरेट का कोई चांस है क्या? अरे 130 है ना आपका ओबीसी कैटेगरी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान के चलो कि 210 के, 205 के आसपास, 205 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन सेक्रेटरेट में हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। राघव जी टाइपिंग पे फोकस करें, टाइपिंग को इंक्रीज करें, अच्छे से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें, सेक्रेटरेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एस यादव जी ने पूछा कि सर सबॉर्डिनेट के विभाग बताओ, बहुत सारे डाउट है, मतलब सबॉर्डिनेट के डिपार्टमेंट पे इनका डाउट आ रहे हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें आते हैं। तो यादव जी इसमें खूब सारे डिपार्टमेंट आते हैं, कोई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट नहीं आता है। अगर बात करें देखो, एक्साइज डिपार्टमेंट भी इसी में आता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी इसी में आता है, ऑफिस ऑफ सॉल्ट कमीशन भी इसी में आता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेड, ये जो पेटेंट वगैरह होते हैं इनके ऑफिसेज भी इसी में आते हैं, ऑफिस ऑफ चीफ कंट्रोलर एंड अकाउंट्स, अकाउंट्स के ऑफिसेज भी इसी में आते हैं, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी में आते हैं। तो ये सारे खूब सारे डिपार्टमेंट हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट नहीं है, तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं यादव जी इसमें। तो डाउट करने की कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने जो प्रेफरेंस भरी है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। डिपार्टमेंट की आपकी वही देख लेते हो, इतना कोई ज़्यादा फास्ट, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें डिपार्टमेंट्स में, ऑलमोस्ट सारे के सारे डिपार्टमेंट इक्वल हैं, काम उतना ही करना पड़ता है। बात करते हैं नुपुर शर्मा जी का डाउट है, इन्होंने पूछा है कि सर 132 मार्क्स हैं बट आर एस सी आई टी कम्प्लीट नहीं हुआ, अच्छा 23 दिसंबर को पेपर है उसका, सर टाइपिंग से पहले उसका रिजल्ट आ जाएगा क्या, प्लीज़ बताएं, एंड टाइपिंग कब तक होगी? तो नुपुर जी आपको बताऊं, 23 दिसंबर को अगर आपका आर एस सी आई टी एग्ज़ाम है तो आर एस सी आई टी का एग्ज़ाम लगभग लगभग 10 दिन बाद में रिजल्ट इसका आ जाता है, 10th डे का आ जाता है कि 10th डे इसका रिजल्ट आ जाता है। तो अगर 23 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 5 या 6 दिसंबर के, सॉरी 5 या 6 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो टाइपिंग है वो टाइपिंग आप ये बोल सकते हैं 3rd या फिर 4th वीक ऑफ जैन में आपकी टाइपिंग होगी, तो इतना टाइम आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग से पहले ही नोटिफिकेशन में कहा है कि टाइपिंग से पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तो सिर्फ टाइपिंग पे फोकस करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, यह सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं नवीन जी ने पूछा है कि सर सेक्रेटरेट से सबॉर्डिनेट जाने जाना हो तो कुछ प्रोविजन है क्या, या फिर पहले जो फॉर्म में फिल कर दिया उसके हिसाब से होगा? तो नवीन जी आपको एक बात बता दूं, सेक्रेटरेट से सबॉर्डिनेट में नहीं जा सकते आप जब तक आपका कोई अच्छा जैक जुगाड़ नहीं है। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होते हैं वो बहुत कम होते हैं एलडीसी में, जो आप जिसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन ले रहे हो वहाँ पे ट्रांसफ़र बहुत कम होते हैं। इसलिए अगर आप सेक्रेटरेट से सबॉर्डिनेट, पहली चीज़ तो आप सेक्रेटरेट से सबॉर्डिनेट जाना क्यों चाहते हैं? सेक्रेटरेट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, तो आप सबॉर्डिनेट में क्यों वर्कलोड लेंगे, क्यों हेडेक लोगे? सेक्रेटरेट अच्छा डिपार्टमेंट है, अगर आपको सेक्रेटरेट मिले तो मेरी ये पर्सनल राय है आपको कि आपको सेक्रेटरेट ही ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी चीज़, फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि रिजल्ट के बाद में डिपार्टमेंट फिर से पोस्ट प्रेफरेंस भरवा ले। अभी उन्होंने क्या है कि एक ही बार पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई है, वो भी फॉर्म भरते टाइम पे, तो अभी कोई फिक्स नहीं है कि वो दोबारा भरवाएगा या नहीं भरवाएगा, तो वेट कीजिए, अगर कोई ऑफिशियल नोटिस आता है तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। महेंद्र जी ने पूछा है कि 106 नंबर एमबीसी टाइपिंग शुरू करूँ क्या? तो महेंद्र जी बिल्कुल टाइपिंग शुरू कर दीजिए, 106 नंबर हैं आपके, आप टाइपिंग शुरू करिए। और मैं तो एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ आपको कि ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, आप अच्छे के लिए सोचिए, आपका अच्छा ही होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइपिंग तो स्टार्ट कीजिए आप, कम से कम भाई क्या होगा, सिलेक्शन ही तो नहीं होगा ना, कम से कम आप टाइपिंग के लिए तो पॉजिटिव रहोगे ना, कि आगे कोई एग्जाम आप देते हैं तो ये तो बोल सकते हैं कि मैं बाकी लोगों से टाइपिंग में तो बहुत आगे हूँ क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। तो आप टाइपिंग स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आपको 24 घंटे टाइपिंग करनी है, आप दिन में 2-3 घंटे टाइपिंग करिए, बाकी दिन आप अपना जो रेगुलर पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए। इसको तो सिर्फ आप ऐड कर लीजिए, एक टाइपिंग को तो एक अपना सब्जेक्ट की तरह ऐड कर लीजिए कि 2 घंटे आपको 3 घंटे उसको देने हैं बस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो डाउट पूछा है वो
पूछा है इन्होंने कि सर एक बार डिसेबल पर्सन को फाइनल मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये वीडियो बनाओ, टाइपिंग नहीं है तो नंबर कैसे मिलेगा, ये सारा समझाओ। तो ये डाउट तो मैं आपको पिछले वाले वीडियो में भी क्लियर कर चुका था ना, उसमें तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी कि डिसेबल पर्सन्स को कैसे सिलेक्शन मिलेगा, उनके लिए टाइपिंग नहीं है। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, जो भी डिसेबल पर्सन है या PH कैटेगरी में आते हैं उनके लिए टाइपिंग नहीं होगा, उनका जो सिलेक्शन होगा केवल और केवल फर्स्ट, जो पहला पेपर हुआ है फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट जो सेकंड पेपर हुआ है ना उनके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा, जो आपके मार्क्स 200 में से आएंगे उन्हीं के बिहाफ पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी, टाइपिंग कॉल नहीं होगा आपका। आप लोगों के लिए टाइपिंग नोटिफिकेशन में साफ मना करा हुआ है कि इन लोगों का, PH कैटेगरी वालों का या फिर डिसेबल पर्सन का टाइपिंग नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप सिर्फ वेट कीजिए रिजल्ट का, जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो रिजल्ट के बिहाफ पे होगा, आउट ऑफ 200 मार्क्स जो भी आपके आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं, रेणु कंवर जी ने पूछा है कि सर 9 सितंबर वाले एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर में 58 क्वेश्चन सही है, सेकंड पेपर में 130, सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं टाइपिंग करूँ या नहीं करूँ। तो रेणु जी, जब आपके 58 क्वेश्चन हैं, मैं कितने टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, एक दो नंबर वाले टेंशन ना लें, आराम से क्लियर होगा आपका। तो आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए, इजी वे में आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो रेणु कंवर जी, मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी कन्फ्यूजन के। आपका अगर मार्क्स अच्छे बन रहे हैं सेकंड पेपर में, आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं यहाँ से, जो 40% वाला, ये चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपके आराम से क्लियर हो जाएगा, 40% आपके बन जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, मैं कितनी बार बता चुका आप लोगों को। आप टाइपिंग स्टार्ट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसी वापस नहीं आएगी। तो रेणु कंवर जी, बिना किसी हेजिटेशन और बिना किसी की कन्फ्यूजन के टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं कि सर क्या नई गवर्नमेंट मींस कांग्रेस के आने से वैकेंसी पर फ़र्क पड़ेगा क्या? तो इसका तो आंसर मेरी ध्यान में RSMS SSB के पास में भी नहीं होगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसा तो कोई फिक्स है नहीं, क्या होता है वो तो देखो ऑफिशियली अपडेट आने पे ही बता सकते हैं अपन। पहले अपने पास में कोई भी ऐसी अपडेट या नोटिफिकेशन नहीं है कि कांग्रेस आने के बाद में वैकेंसी कैंसिल होगी या पेंडिंग होगी, क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। राजस्थान का एग्जाम है वैसा, सरकार चेंज होती है तो चीज़ें भी बदलती हैं, होता है, ये तो इतिहास है, इसमें अपन कुछ बोल नहीं सकते। तो इसके इस क्वेश्चन का आंसर मैं देना सही नहीं समझूंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो आप तो ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो टाइपिंग की तैयारी कीजिए, मैं तो सिर्फ आपको इतना बोल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो डाउट पूछा है वो लक्ष्य जी ने पूछा है कि सर मेरे 71% सेकेंड शिफ्ट में है, मैंने प्रेफरेंस RPSC सेक्रेटरेट और सबॉर्डिनेट लगाई है, चेंज हो सकता है क्या? तो लक्ष्य जी टेंशन मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि डिपार्टमेंट फिर से पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लें, क्योंकि पहले भी इन्होंने एक दो बार पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाने के बाद में फिर से भरवाई है। तो आप वेट कीजिए नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, हो सकता है चेंजेस हो जाए, और नहीं भी होगा ना तो RPSC भी अच्छा डिपार्टमेंट है, बुरा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट सारे अच्छे हैं। मनीष जी ने पूछा सर टाइपिंग में मटेरियल लाइन वाइज आएगा या फिर पैराग्राफ में आएगा? तो मनीष जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक बार सोनमा नाम करके सॉफ्टवेयर है अपने हिंदी टाइपिंग का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप उसका इंटरफेस देख लीजिए, उसी पैटर्न पे आपका जो होगा एग्ज़ाम होगा उसी मतलब इंटरफेस पे होगा। तो जो टाइपिंग होती है वो लाइन वाइज होती है, हालांकि आपको जो शो होता है वो पूरा पैराग्राफ शो होता है, लेकिन लाइन वाइज आपको टाइप करना पड़ता है। तो आप एक बार वो इंटरफेस देख लीजिए, वहाँ से आप कंफर्टेबल हो जाइए, सेम का सेम इंटरफेस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। वहीं विनोद जी ने बात करी कि सर डेल के कीबोर्ड पर 3 मंथ प्रैक्टिस कर ली, अब कीबोर्ड चेंज करना है या नहीं? तो विनोद जी, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है डेल के कीबोर्ड पर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बस प्रॉब्लम इतनी होती है जो डेल का कीबोर्ड आता है उसकी कीज़ जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, और बाकी कीबोर्ड्स की जो कीज़ होती हैं वो थोड़ी हार्ड प्रेस कीबोर्ड बोलते हैं उनको, हार्ड प्रेस की कीबोर्ड बोलते हैं। तो जो आपका डेल वाला है, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप कोई और कीबोर्ड्स कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अपने दोस्तों से या फिर किसी नेबर से या किसी फैमिली मेम्बर से, तो आप एक बार है ना प्रैक्टिस जरूर कीबोर्ड चेंज कर करके करिए, लेकिन वो प्रैक्टिस कीबोर्ड तभी चेंज करना जब आपकी स्पीड एक बार थोड़ी सी मेंटेन स्टेबल हो जाए ना, उसके बाद में आप कीबोर्ड चेंज करके प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका हर टाइप के कीबोर्ड पर हाथ सेट हो चुके।
प्रॉब्लम सिर्फ एक आती है, जो अपना डिलीट वाला बटन होता है ना, वो किसी में बड़ा और किसी में छोटा होता है। तो मेन जो प्रॉब्लम करता है वो सिर्फ और सिर्फ वही कीवर्ड करता है, डिलीट वाला। तो उस पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करिएगा, बाकी सब कोई इशू नहीं है, सारे कीबोर्ड ऑलमोस्ट सेम है। अब बात करते हैं, क्या आप मुझे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो पोस्ट प्रेफरेंस अंकित जी, अगर दोबारा भरवाई तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा, सारे डिपार्टमेंट सारे पोस्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको इंडिविजुअली। तो आप उस टाइम तक का वेट कीजिए, मैं अभी आपको कुछ नहीं बोलना चाहूँगा इसके बारे में। एक बार आप आने दीजिए पोस्ट प्रेफरेंस का दोबारा फॉर्म, मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज अपन ने काफ़ी सारे डाउट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, अपन फिर से एक वीडियो और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे वीडियो बनाने में। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। आप किसी भी तरीके के डाउट्स में नहीं रहें, टाइपिंग को कंटिन्यू करते रहें, रिजल्ट का वेट कीजिए। रिजल्ट जरूर बहुत जल्दी आने वाला है आप लोगों के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, टाइपिंग को कंटिन्यू करें, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।